पार्टियां जनसभा और रैलियों के माध्यम से जनता को अपनी तरफ लुभाने में जुटी हैं। और इसी कड़ी में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नगर में बाइक रैली और आम जनसभा का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक दोपहिया वाहनों के द्वारा नगर में बाइक रैली निकाली गई। रैली के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला परेड ग्राउंड में एक आम जनसभा का आयोजन किया। सभा को मनीष कुंजाम ने संबोधित किया। सीपीआई पार्टी की नीतियों से खुश ग्रामीण महिला पुरुष और युवा आगामी चुनाव में सीपीआई पार्टी को वोट करने की बात कहते हुए नजर आए। हमारा सोच वो है कि हमारा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम लोग देने के लिए तैयार हैं। में से हमारा बहुत परेशान हुआ, जबकि पहले से हम लोग उनके दे के हद हो गए, फिर भी अभी तक अपना कुर्सी में जो बैठते हैं वो लोग अभी तक जो समस्या के बारे में जो पूछते हैं उनका हल नहीं करते हैं। जो हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख कर भी 12वीं MA BA पास करके भी घर बैठे हैं, उनके लिए आज तक कोई सहयोग नहीं है। सिर्फ आगे नौकरी बारे में पूछने से क्या बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए। सर, मेरा नाम बजनत पचलम है, मैं मटावन का रहने वाला हूँ। सर, मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, तो इस बार मैं चॉइस क्या हूँ कि सीपीआई को दूंगा। जैसे कांग्रेस और बीजेपी चल रहा है, उसमें हम लोगों का मांगे पूरा नहीं कर रहे हैं। सोना भाई मंडावी, मैं कदम पारा हिंदू बिना पार रहने वाले, हमको परेशान हो गया। अब कांग्रेस बीजेपी को दे के थक गए हैं, अभी हंसिया छाप दादा को देंगे तो वही जीता। अब तो चुनाव सर पर है और नारायणपुर जिला की हमारी जो पार्टी का जो यूनिट है, उस यूनिट ने आज की ये आम सभा आयोजित की थी और आप सब लोगों के सामने है। पहली बार हमारी पार्टी ने यहाँ अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश किया और लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, और एक नहीं कई समस्याएं हैं, रोजगार से लेकर तमाम समस्याएं, उसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी निराशा है, चिंता है कि ये सरकार वो जो समस्याएं उसको दूर करने में नाकाम रही। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती देश भर में मनाई गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में बापू का एक अनुयायी है जो बीते 16 सालों से 2 अक्टूबर